हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो जो आज का व्लॉग है मैं मॉर्निंग से चालू करूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अभी से व्लॉग चालू कर देती। आप सोच रहे होंगे ना, ये मैंने क्या लगा लिया है। मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इससे जो ईयर्स है वो भी कवर हो जाते हैं, फोरहेड भी हो जाता है कवर। तो इससे जैसे मेरा हेडेक होने लग जाता है, तो कान में जैसे ठंडी आवाज़ आती है तो हेडेक होता है मेरा, तो फिर इससे नहीं होता। और फोरहेड भी कवर हो जाता है तो हेडेक होना भी बंद हो जाता है। और इससे ये भी एक मतलब बेनिफिट है कि इशू चश्मा नहीं निकल पाती मेरा, इससे टाइट हो जाता है। नहीं तो इशू चश्मा निकाल निकाल के फेंकती है, तो फिर मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। और इशू अभी सोकर ही उठी, इसलिए वो हंस भी नहीं रही है। और पता है, इशू बहुत मस्ती करती। मैं कुछ क्लिप में आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा मस्ती करती। और बताइए, आपके इधर का मौसम कैसा है? हमारे इधर का मौसम तो बहुत ख़राब है। कल धूप निकली थी, कल तो बहुत अच्छा लगा था यार कि कल धूप निकली थी। तो कपड़े भी सुखाने के लिए डाल दिए थे, मुझे लगा कि आज अब कल से धूप निकली है तो आज भी धूप निकलेगी, तो आज भी धूप निकली नहीं है। बिल्कुल मौसम सा हो गया और थोड़ा सा हल्की सी बारिश हो रही है, ऐसे बौछार टाइप की हो रही है। बहुत बुरा मतलब जो मौसम है ना, बहुत गंदा टाइप का है, बिल्कुल अच्छा नहीं। इतनी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। आपके इधर का कैसे, आपके इधर धूप निकल गई क्या? प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताना। आप तो बताते नहीं हो, मैं पूछती हूँ फिर भी। पर हमारे यहाँ का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे इधर का मौसम कैसा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बहुत ठंड इधर तो बहुत ज़्यादा। ये देखिए, हल्का हल्का सा पार मतलब बौछार हुई थी तो गीला हो चुका है। चलिए मैं जल्दी से अंदर जाती हूँ। तो गाइस, आपने देख लिया ना बाहर का मौसम कितना ठंडा है। मैं इशू को बाहर भी नहीं लेकर जा सकती, नहीं तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और बहुत मैं जब भी वीडियो शूट करूँगी ना तो इशू को बस प्रॉब्लम ही होना, इशू नहीं चाहती कि मैं वीडियो शूट करूँ। तो अभी काम भी करना है, मैंने अभी घर के काम नहीं किए। ब्रेकफास्ट हो चुका है हम लोग का और मेरे हस्बैंड जो है बाहर गए हैं थोड़ा काम से। और बस मुझे थोड़ा इशू को कुछ खिलाना है क्योंकि सोकर उठी तो उसने कुछ खाया नहीं है अभी तक, तो फिर मैं उसे खिलाऊंगी। बाहर तो नहीं लेकर जाऊंगी, इसको बाहर नहीं निकालूंगी। और मेरी जो स्किन है ना बहुत ख़राब हो चुकी है, मुझे थोड़ा सा कुछ करना है, मतलब फेस पैक वगैरह लगाऊंगी क्योंकि अभी है ना मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही। मैं आपको अपनी जो पुरानी कॉलेज टाइम की फ़ोटो दिखाऊंगी, उसमें इतनी अच्छी स्किन थी उस टाइम मेरी, अब बहुत ख़राब हो चुकी है। और इशू को मैं उठने नहीं दूँगी, उसको बाहर जाना है क्योंकि प्रियांश की आवाज़ आ चुकी है उसको। तो चलिए, अभी मैं आपसे थोड़ी देर से बात करूँगी। देखती हूँ अब क्या करना है, थोड़ा घर का काम करना है, घर का काम करूँगी फिर आपसे बात करती हूँ। नहीं, अभी घर का काम करते करते भी आपसे बात कर सकती हूँ। तो चलिए, इसे परेशान कर रही है, आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। तो मैंने मॉर्निंग में वीडियो शूट किया था, तो फिर मैंने सोचा उसके बाद वीडियो शूट करूँगी और जैसे खाना बनाऊँगी तो वो वीडियो आपके शेयर करूँगी। पर टाइम नहीं था और जल्दी जल्दी में बनाना था खाना, इसलिए वीडियो शूट नहीं किया। और फिर अभी मैं गई थी बाहर, ये मैंने पेपर्स लाए कुछ, ये जो रैक है ना ये मुझे साफ करनी है, अच्छे से रखना है सामान। तो मैंने ये पेपर बीछे, न्यूज़ पेपर है ना वहाँ पर न्यूज़ पेपर बीछे हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने ये ये पेपर्स लाई हूँ तो ये बिछाऊंगी। और अभी मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी और इशू भी सो रही है, तो मेरे पास टाइम है। तो मैंने सोचा यार कि अभी थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ, तो बस वही काम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ और फिर टाइम रहेगा तो और आपसे बातें करूँगी। ठीक। और हाँ, मैं हमेशा बोलना भूल जाती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल आइकन बना है उसमें प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपडेट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है, इसलिए किया है कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, फिर देखने में प्रॉब्लम होती है।
तो मैं जल्दी जल्दी से साफ कर लेती हूँ। और जो आगे का वीडियो है ना फ्रेंड्स, तो वो है ना मिस हो गया है। मिस मतलब कि ऐसा हुआ है कि मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, और मुझे ऐसा लगा कि वो वीडियो मैं बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, पर ऐसा हुआ जब मैंने मोबाइल चेक किया तो वीडियो बन नहीं रहा था क्योंकि वो फुल हो चुकी थी मेमोरी। तो इसलिए ये जो वीडियो है तो आधा ही आपको दिखेगा, बस हाफ क्लीनिंग का दिखेगा, और फिर बाद में है जब मैंने मेमोरी खाली की तो उसके बाद फिर मैंने जो शूट जैसे सब कुछ हो चुका था उसके बाद मैंने शूट किया है, तो वो बस आपको दिखाऊंगी। तो अभी जल्दी जल्दी मैं ये सामान रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये क्लीन कर लिया और सामान जो भी था अच्छे से यहाँ पर रख दिया है। और ये देखिए, ज़्यादा कोई सामान नहीं है, बस इतना ही थोड़ा सा सामान है, तो इसे मैंने अच्छे से रख दिया है। और ये मैंने पेपर लगा दी यहाँ पर, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ डिनर, तो डिनर में बनाने वाली हूँ आज कुछ स्पेशल, तो इसलिए मैं मसाले भून रही हूँ। तो मसाले में जो मैंने यूज़ किया है, मतलब जो डाला है मैंने मसाला, उसमें लहसुन और अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची और जीरा डाला है, और दो टमाटर डाले हैं। तो आज क्योंकि मैं जो बनाने वाली हूँ ना, आज मैं फ़िश बना रही हूँ, तो फ़िश के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। तो अब मैंने इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर, एकदम लो इस पर मैंने इसे सेक लिया था, तो मसाला बनने के लिए रेडी है। तो और मैं सबसे पहले फ़िश को वॉश करके रख दिया था, अब इसे मैं मैरिनेट करूँगी। तो मैरिनेट करने के लिए इसमें मैंने 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है, और 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी डालूंगी, और नमक जितना है 1 चम्मच में इसमें नमक डालूंगी, और थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच जो है उसमें मैं बेसन डालूंगी मैरिनेट करने के लिए, और इसे फिर आधे घंटे के लिए रख दूंगी। फिश बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि इससे टेस्टी लगता है ज़्यादा। और जो भी मसाले थे उसे मैंने ग्राइंडर में कर लिया था, और अभी मैं मसालों को पकने दूंगी। तो इसे जो मसाला है इसे मैं एकदम पहले धीमे आंच पर पकाऊंगी, क्योंकि धीमे आंच पर पकाने से मसाला बहुत देर तक पकता है और वो अच्छे से पक जाता है, कच्चा नहीं रहता है, तो मैं इसे पहले पकने दूंगी। तो अब मैंने मसाले को उधर से रख दिया है पकने के लिए, तो मैं फ़िश को सबसे पहले जैसे फ़िश बनाते हैं ना उसे फ्राई करना चाहिए, तो उससे के जो फिश के पीस होते हैं ना वो टाइट हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। तो फिर मैं डीपली से फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ऑयली नहीं खाते हैं, उनको ऑयली खाना मना है। तो इसलिए मैं जो नॉन स्टिक तवा है उसे मैंने ऑयल लगा दिया है, और इसे इसी तरीके से मैं फ्राई टाइप का मतलब सेक लूँगी, आप जैसे सेक ही लूँगी, और फिर ये जल्दी भी हो जाता तो मैं इसे सेक लूँगी। गार्लिक का पेस्ट ये पक चुका है, तो इसमें मैं मसाले डालूंगी। तो मसाले में जो मैं डालूंगी वो है लाल मिर्च, वो भी मैंने ज़्यादा, हम लोग तीखा खाते हैं जैसे नॉनवेज है ना, वैसे भी कोई भी सब्जी है तो हम लोग तीखी खाते हैं, फीकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो नॉनवेज वैसे भी हमें ज़्यादा ही तीखा पसंद है। तो इसमें मैंने 2.5 चम्मच मिर्ची डाली, और वैसे भी मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है, तो ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तीखा मतलब कि अच्छा टेस्टी हो जाएगा। तो इसमें फिर मैंने मिर्ची डाली है, और फिर धनिया पाउडर डाला है, और डाली है हल्दी, आपने क्वांटिटी देख ली होगी मैंने कितनी डाली है। तो इसे मैं पकने दूंगी, अभी ये पक चुका है, तो इसमें मैं डालूंगी पहले पानी, पानी डालने के बाद इसे मैं
15 मिनट के लिए पकने दूंगी, क्योंकि जो ग्रेवी है बना रही हूँ तो ये अच्छे से पक जाना चाहिए, ग्रेवी जो है कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसलिए इसमें पानी डाल के मैं 15 मिनट तक इसे पकने दूंगी। फ्रेंड्स अभी 15 मिनट हो चुके हैं, आप ज़्यादा मिनट भी पका सकते हैं, जरूरी नहीं है 15 मिनट ही, पर 15 मिनट में मेरी जो ग्रेवी वो पक जाती है, इसलिए मैंने और जो है मैंने इसमें हाई पावर पर रखा था इसलिए 15 मिनट लग गए थे। तो अगर आप कम इस पर रखते हैं तो आप कम भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि 15 मिनट ही। तो फिर ये जैसे इसमें है ना जो फ़िश थी वो मैंने डाल दी है, उसके जो पीस थे फ़िश के तो मैंने डाल दिए हैं, तो इसमें फिर 5 मिनट के लिए ऐसे पकने दूंगी। तो ये थी आज का मेरा डिनर जो मैंने फ़िश बनाई थी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो मैंने फ़िश बनाई है वो कैसी बनी है और कैसी दिख रही है, और जो आप बोलोगे कि जिसमें है ना पानी मैं ज़्यादा ही डालती हूँ, पानी इसलिए ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे सूखा खाना पसंद नहीं है और दाल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं मजबूरी में खा लेती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे चावल के साथ खाने के लिए चाहिए, और बिना चावल खाए तो मैं रह नहीं सकती, मुझे सुबह शाम चावल चाहिए, दोनों टाइम चावल चाहिए।